चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। झारखंड के साहिबगंज जिले में छात्रवृत्ति देने की मांग को लेकर बुधवार को आदिवासी कल्याण छात्रावास में रह रहे एसटी एससी छात्र छात्राओं ने आंदोलन करते हुए जिला कल्याण विभाग कार्यालय का पहले घेराव किया, फिर कार्यालय में तालाबंदी कर दी। इसकी अगुवाई आदिवासी छात्रावास के छात्र नायक मनोहर टूडू और छात्रा नायिका मेरी बास्की ने संयुक्त रूप से किया। छात्र नायक मनोहर टूडू ने बताया कि छात्रवृत्ति को लेकर कल्याण विभाग के पदाधिकारी हॉस्टेलर और डे स्कॉलर का भेदभाव करते हुए हॉस्टल में रहने वाले कई छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति से वंचित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका सभी छात्र छात्राएं विरोध करते दिखे और छात्रावास में रहने वाले सभी छात्र छात्राओं ने पदाधिकारी से छात्रवृत्ति का लाभ देने का मांग विभाग से किया। उन्होंने बताया कि साहेबगंज कॉलेज में इंटर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, बीएलबी और बीसीए समेत कई अन्य कक्षाओं में पढ़ाई होती है। आदिवासी कल्याण छात्रावास में छात्राओं के लिए महज 200 सीटें ही स्वीकृत है, जबकि कॉलेज के विभिन्न कक्षाओं में पढ़ाई कर रहे तकरीबन 550 छात्र छात्राएं किसी तरह से एडजस्ट करके छात्रावास में रह रहे हैं। यही हाल एससी छात्रावास का भी है। यहाँ भी स्वीकृत सीटों की संख्या महज 50 है, लेकिन तकरीबन 70 छात्र किसी तरह से एडजस्ट करके इसमें रहते हैं। ऐसे में छात्रावास में उपलब्ध सीटों का हवाला देकर विभाग कई छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति से वंचित करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग का छात्रवृत्ति जो स्कॉलरशिप फॉर्म भर रहे हैं उसमें हम लोग को अप्रूव करने के लिए हॉस्टल से बोला जा रहा है, जबकि हॉस्टल से मात्र कल्याण पदाधिकारी द्वारा कहा जा रहा है कि हॉस्टल में मात्र 200 सीटेट का छात्रावास है, 200 सीटेट का छात्रों को ही स्कॉलरशिप मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग यहाँ पर हम लोग का साहेबगंज महाविद्यालय साहेबगंज में इंटर से लेकर के पीजी बीसीए और बीएड तक और बिलीफ तक की पढ़ाई होती है, लेकिन हम सभी छात्र बहुत काफी संख्या में हम लोग छात्रावास में एडजस्ट करके रहते हैं, लेकिन पदाधिकारी ये बात सुनने को तैयार नहीं है। वो बोलते हैं कि हमको 200 सीटेट को अप्रूव करना है, उसे ज्यादा नहीं करेंगे। अगर इसी तरह का कल्याण पदाधिकारी का अगर रवैया रहा तो हम लोग रैली या विरोध जोरदार से करेंगे। हम लोग को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है सर, तो बड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ट्यूशन फी हम लोग का अभी बकाया है हम लोग के पास, और वो ट्यूशन फी हम लोग को भरना है, उसी से कॉपी किताब कलम, क्योंकि घर से भरपाई नहीं हो पाता है सर। हम लोग निर्भर रहते हैं ट्यूशन छात्रवृत्ति से ही निर्भर रहते हैं। अभी बहुत सारे बच्चे अभी फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं छात्रवृत्ति के लिए, चूँकि डेट बढ़ा दिया गया है, 20 तारीख तक है, तो अभी और भी फिलअप करने के लिए बाकी है। तो हम यही उन लोगों से अनुरोध करेंगे कि हम लोगों को जितने छात्र रह रहे हैं कम से कम आप लोग जो है इनको इन पे ध्यान दीजिए और देने कृपा कीजिए, जिससे कि हम लोग आगे की पढ़ाई सुचारू रूप से कर सकें। इधर छात्र छात्राओं के आंदोलन को देखते हुए विधि व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए जिला प्रशासन की ओर से गिरवावारी ओपी प्रभारी चिरंजीत प्रसाद की अगुवाई में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। वहीं बतौर दंडाधिकारी साहिबगंज सदर प्रखंड के अंचलाधिकारी मोहम्मद अब्दुल समद, डीसीएलआर जयवर्धन, वीडियो सुबोध कुमार को वहां पर नियुक्त किया गया, जिसके बाद सभी छात्र छात्राओं की मांग को ध्यान पूर्वक सुना गया। वहीं आंदोलन के दौरान छात्र छात्राओं ने जिला कल्याण पदाधिकारी प्रमोद आनंद को एक ज्ञापन सौंप कर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले सभी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ देने की मांग की है। सीट आप लोग को मिल जाए जो काम हो जाए। हम लोग टोटल लगभग एसटी में 550 के करीब हैं, और 550 के करीब में से कुछ आवेदन नहीं दिए हैं छात्रवृत्ति के लिए, लेकिन लगभग 400 आदमी हम लोग 400 विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं ले। हम लोग का ये मांग रहेगा कि जितना हम लोग का छात्रावास में रहते हैं और छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किए हैं छात्रावास की ओर से, तो हम लोगों को छात्रावास के नाम पर स्टाइपेंड मिलना चाहिए, छात्रवृत्ति मिलना चाहिए, यही मांग है हम लोगों को। वहीं मौके पर जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि छात्र छात्राओं की मांग को लेकर उपायुक्त की अध्यक्षता में होने वाली डीएलसी की बैठक में छात्रों की मांग पर विचार किया जाएगा। वहीं कहा कि कॉलेज प्रबंधन द्वारा छात्रवृत्ति के लिए छात्र छात्राओं की सूची उपलब्ध कराई गई है, साथ ही आगामी 20 जून तक ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा, जिसकी पूरी सूची को लेकर सभी कॉलेज के प्राचार्यों के साथ डीएलसी की बैठक में विचार होगा, उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामला है पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में हॉस्टेलर और डे स्कॉलर का, ठीक है।
तो हॉस्टेलर जो छात्रावास में जो रहते हैं तो स्वीकृत बल जो है उतना ही हम लोग को देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लड़कों का कहना है कि हम लोग जितना भी एडजस्ट करके भी रहते हैं या फिर जो भी रजिस्टर्ड में है तो उन सबों को छात्रवृत्ति दिया जाए। तो हम लोग DLC मीटिंग में हम लोग इसको इस बात को रखेंगे। ठीक है, वो कमेटी होती है DLC की, सर हमारे DC सर अध्यक्ष होते हैं, हम लोग भी सदस्य होते हैं, उसमें निर्णय लिया जाएगा किसका क्या करना है, कि सभी हॉस्टेलर जितने भी रह रहे हैं उनको दिया जाए या आवंटन मंगा के फिर उसको दिया जा सकता है या दिया जाएगा, या फिर स्वीकृत बल जो है उसी के अनुपात में दिया जाना है। जितने भी छात्र हैं उनका सूची आ गया है, हम लोग DLC मीटिंग में रखेंगे, सभी को छात्रावास के अनुपात में भी और बाकी डे स्कॉलर के रूप में भी, फिर वहाँ निर्णय होगी कमिटी के स्तर पर। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।